नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान के एक नए अंक के साथ, नई जानकारियों के साथ आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं। हमेशा की तरह आज हम सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, जिसमें हम आपको जैविक खेती के फायदे बताएंगे। इसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की, बताएंगे आपको गौपालन के फायदों के बारे में, और अंत में हमेशा की तरह कामयाब किसान की दास्तां आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जैविक खेती की। जी हाँ, जिस तरीके से ज़्यादा पैदावार के लिए अंधाधुंध केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है मिट्टी पर, उसका विपरीत असर साफ तौर पर हमारी भूमि पर देखा जा सकता है। ऐसे में आज के दौर की मांग है कि हमारे किसान जैविक खेती की ओर मुड़े। इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे आप अपना सकते हैं जैविक खेती, आइए जानते हैं। हरित क्रांति के बाद से ही भारतीय खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का आंख बंद करके बड़ी भारी मात्रा में प्रयोग हुआ है, उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल कर रख दी है। आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है। खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के अंतर्गत किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों से ही खेती कर अधिक पैदावार लेना है। जैसे रासायनिक उर्वरकों की जगह अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करना, जिनमें कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, गौमूत्र आदि का प्रयोग करना है। अभी हम 5 एकड़ में जैविक खेती शुरू किए हैं 1 साल से। तो अभी हमारे यहाँ तोरई, पालक, टमाटर चल रहा है, हमने लोबिया बो रखा है, और करेला ये भी हमारा चल रहा है। और अभी पीछे हमने गेहूँ, बंसी गेहूँ बोया था और उसका उत्पादन अच्छा हुआ। लगभग 35 मण अनाज निकला उसका। इसमें अभी जैसे पालक हम लोग लगा रहे हैं साल भर से, तो 28 दिन में पालक तैयार हो जाता है अपना, जबकि वैसे हम नॉर्मली बोते हैं तो वो 32-35 दिन तक लेता है। लेकिन हमारे यहाँ हमने ऐसा अनुभव किया कि 28-30 दिन में अच्छी फसल, उसको हमने घर पे उसका उपयोग किया तो लगभग 1 हफ्ता चल जाता है। फ्रिज में रखने के बावजूद भी उसकी पौष्टिकता और उसके अंदर क्वालिटी बड़ी अच्छी है, खाने में बड़ा स्वाद उसका लगता है। अच्छा, मार्केटिंग का अभी हमें अच्छा बाज़ार उपलब्ध नहीं है। अभी हमारा सारा माल हमारा मंडी में ही जाता है। और इसमें एक बेनिफिट ये हुआ है कि जो हमारा यूरिया का, जो हमने 70% यूरिया अब नहीं डाल रहे हैं, उसका बेनिफिट ये हुआ अपने को, जैविक डिकम्पोजर चला के, NPK का मेटारेज हम ये घोल हम चलाते हैं, तो इससे ये बेनिफिट तो हुआ है। इससे मिट्टी का अपना एक उसके अंदर से जो जैविक उसके अंदर वो आएंगे जीवाणु बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मिट्टी का उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी तो, और हम इसको ठीक कर पाएंगे। जैविक अपनाने का कारण है कि आज हम जो देखते हैं कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है और इसका इलाज नहीं है, मृत्यु ही इसका इलाज है। तो विचार हुआ भाई कि अब सारी दुनिया में ऑर्गेनिक, विश्व के अन्य देशों में तो ऑर्गेनिक चल रहा है लेकिन भारत में भी बहुत धीरे स्टेज पे इसका शुरुआत हुआ है, तो हमने इसका मतलब इसको शुरू करते हैं एक बार। तो इसके रिजल्ट अभी आने शुरू हुए हैं और धीरे धीरे हम करेंगे तो उस पूरे गाँव को हम एक जैविक गाँव बना के रखेंगे। ताराचंद बेल जी भाई से परिचय हुआ 2 साल पहले, पहली बार मिलना हुआ यहाँ पर, तो उनके माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि ऊर्जा विज्ञान, जैविक विज्ञान, जैविक क्रम, जैविक जीवन के बारे में काफ़ी सारा उन्होंने थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब हमें बताया। तो उस प्रेरणा स्रोत उनसे प्रेरणा लेके हमने अपनी खेती के ऊपर उसका प्रयोग किया। मेरा इंटरेस्ट का क्षेत्र है ये, तो मैं स्वयं ही आ रहा हूँ और अपने साथ जो मेरा ग्रुप है उनको भी जोड़ रहा हूँ धीरे धीरे करके कि भाई आप लोग आइए, पहले मैंने शुरू किया, आप लोग प्रयोग करके देखो ज़रा, तो आपको खुद ही अनुभव आ जाएगा कि हम इसमें कितना अच्छे से कर सकते हैं। ये
तो बात हुई जैविक खेती की, इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, बात होगी गौ पालन के बारे में। छोटा सा ब्रेक, देखते रहें गांव किसान। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या हैं आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात होगी हमारा पशुधन की। मैं यहाँ एक किसान हूँ, मेरे पास 2 गाय हैं जैविक कृषि के लिए। सुबह 4:30 बजे उठ जाती हैं ये, उठते ही सबसे पहले हम इनसे गौमूत्र लेते हैं। जैसे ये खड़ी होती हैं अपने आप ये गौमूत्र देती हैं हमें और हम इसको कलेक्ट करते हैं। उसके लिए हमें उससे हम खाद बनाते हैं और उससे हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, जैविक पेस्टिसाइड। उसके बाद इनका साफ़ सफाई करते हैं, फिर इनको खेत में ले जाके बांध देते हैं, दूसरी जगह इनको बांध देते हैं छाये के अंदर, और ये दिन भर वहाँ चरती रहती हैं, लंबी रस्सी से बांध देते हैं इनको, आसपास ये घास चरती रहती हैं। उसके बाद इन्हें 10 बजे वहाँ से खोल के लाते हैं, यहाँ छाया में बांधते हैं, तो यहाँ इनका चारा भूसा और इसके अंदर हरी चारा, जई हो गई, जौ हो गया और क्या नाम है ज्वार, इस वक्त ज्वार है हमारे पास। सर्दियों में हम इनको जई और इनको वर्सिम दे देते हैं हरे चारे के साथ, वो सूखे चारे के साथ। चारे के साथ इनको क्या नाम है, हम एक तो बाजरे का आटा, ग्वार की चूरी और सरसों की खल देते हैं इसमें, और ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, मौसम के अनुसार इनको दलिया भी देते हैं। सर्दियों में बाजरे का दलिया देते हैं और ये बड़े चाव से खाती हैं। इसके गोबर से, गोबर हमारे लिए देखो, गौ में वस्ते लक्ष्मी, ये एक तरह से लक्ष्मी का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आजकल हम रुपए पैसे को धन कहते हैं, सोने चांदी को धन कहते हैं, प्रॉपर्टी को धन कहते हैं, अपनी पुरातन संस्कृति के अंदर हम जब धन की बात करते थे तो कोई रईस आदमी होता था उसको कहते थे पशुधन कितना है इसके पास। तो आजकल थोड़ा सा विडम्बना यह है कि लोगों के पास पशुधन नहीं है, सब कुछ है पशुधन नहीं है। तो जब गाय हमें गोबर दे रही है तो साक्षात लक्ष्मी दे रही है, वो हमारा सारा खेती के अंदर काम आता है। उससे उस जो गोबर के अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया सारे हैं, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, फास्फोरस का बैक्टीरिया, पोटास का बैक्टीरिया सब उसके अंदर है। उससे हम सजीव जल बनाते हैं, अलग अलग ड्रम के अंदर हमारे पास सजीव जल रखा हुआ है, अलग अलग तरह के हम लिक्विड बनाते हैं, यहाँ पे घोल बनाते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं। हम लोग बाहर से कोई भी पेस्टिसाइड नहीं लाते हैं, 0 बजट फार्मिंग है।
हमारी जो फार्मिंग है जीरो बजट है, कुछ भी नहीं खरीदते बाहर से। बाहर से सिर्फ खाने पीने के लिए नमक आता है और कुछ नहीं आता, बाकी सब कुछ यहीं होता है, सब गौ माता की कृपा से होता है, इसके गौमूत्र से और इसके गोबर से होता है। गोबर की प्रक्रिया है कि सजीव जल बनाते हैं, एक एकड़ के अंदर हमारा कोई 1000 लीटर के करीब गौमूत्र हम इसके अंदर डाल दें। देखो गौमूत्र विषनाशक है, जैसे सजीव जल के लिए हमने 200 लीटर पानी लेने के बाद उसमें 10 किलो गोबर डाला घोल के, 10 लीटर गौमूत्र डाला घोल के, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया और 1 किलो बेसन और 1 किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, जो जहाँ कभी पेस्टिसाइड ना डाला हो, उससे हम सजीव जल तैयार करते हैं। उसके बाद डेली सुबह शाम उसको मिलाते हैं डंडे से 7-8 बार इधर से उधर, एक बार एंटी क्लॉक वाइज एक बार क्लॉक वाइज। अंदर देखिए झाग उठेंगे, जिस दिन झाग आना बंद हो जाए इसका मतलब आपका सजीव जल तैयार हो गया। सर्दी गर्मी अलग अलग टाइम होता है, इसलिए टाइम बताना बड़ा मुश्किल होता है। 4 से लेकर 7-8 दिन तक तैयार हो जाता है, गर्मियों में जल्दी तैयार हो जाता है, सर्दियों में देर से तैयार होता है। बैक्टीरियल पॉपुलेशन गर्मियों में जल्दी आती है, सर्दियों में थोड़ा धीरे आती है। तो हमारा गर्मियों में जल्दी, जिस वक्त झाग आना बंद हो जाए तो समझो हमारा सजीव जल तैयार हो गया। तो अभी आपने जाना देसी गौ पालन के बारे में, इसी के साथ ही वक्त हुआ है पशुपालक कैलेंडर का। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में ताप घात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लंगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और समय हो गया है कामयाब किसान की दास्तां का। कामयाब किसान के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि ऐसे किसानों को मंच दिया जाए जिन्होंने कृषि के माध्यम से कामयाबी हासिल की। साथ ही हमारा मकसद होता है उन किसानों को कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश करना जो कि कुछ नया करना चाहते हैं और साथ ही वो सीख भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कामयाब किसान में किस किसान की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप उसे किस तरीके से सीख ले सकते हैं। देखते हैं कामयाब किसान की दास्तान। उमेर सिंह किसान परिवार से होने के कारण बचपन से खेती से जुड़े हैं। अच्छा खाने की उम्मीद में वे छत पर बागवानी से प्रेरित हुए। मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। पहले खेतों में जाते थे, सारी चीज़ें बिल्कुल ताज़ा खाते थे, लेकिन शहर में आने के बाद तरस गए उन चीज़ों को। कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता था। धीरे धीरे ये है कि हम खेतों में जो चीज़ें उगाते थे अब वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपने घर में थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। जब बाज़ार वाली सब्जियां खाने के बाद घर की सब्जियां खानी शुरू की तो उसका स्वाद ऐसा था कि भूल ही गए कि भाई ये चीज़ें तो कभी बचपन में मिलती थी। घर वालों को भी ये चीज़ें अच्छी लगने लगी। पहले मना करते थे कि छत पे ज़्यादा वजन मत करो, ये होगा वो होगा, लेकिन अब जब से सब्जियां खानी शुरू की हैं अब तो ये पड़ोसी भी पूछते हैं कि आपके सब्जियां तैयार हो गई, कि हमें खाने को कब मिलेंगी। भाई उमेद सिंह पिछले 10 सालों से छत पर बागवानी कर रहे हैं। छत पर विभिन्न प्रकार की सब्जी एवं फलों को जैविक तरीके से उगा रहे हैं। पिछले 10 साल से टेरेस गार्डनिंग कर रहा हूँ। सीजन की सारी सब्जियाँ मैं अपनी छत पे आसानी से लगा लेता हूँ। पेस्टिसाइड्स जो भी मेरे को बनाने होते हैं मैं नेचुरल उनसे बनाता हूँ, पौधों से। आक, नीम, धतूरा, कनेर, एलोवेरा सबको मैं गौमूत्र में और वेस्ट डिकम्पोजर में मिक्स करके सारे के सारे पेस्टिसाइड में वो बनाता हूँ। जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने में घर में संसाधन जो किचन में होते हैं उन्हीं से मैं बनाता हूँ। किचन का वेस्ट सारे का सारा मैं बाहर नहीं फेंकता, पूरा का पूरा अपनी छत पे कंपोस्ट में चेंज करता हूँ उसको, और वही खाद मैं अपने पौधों में यूज़ करता हूँ। 30 तरह के टमाटर मैंने लगाए हुए थे जो टोटली हेयरलूम वेराइटीज़ थी, और सारे के सारे बाहर से बीज मंगवाए मैंने। यूके और यूएसए से सीड मंगवाया था मैंने सारे का सारा, और जिसकी वेराइटी बहुत बढ़िया है उसका सीड मल्टीप्लाई करके मैं अपने बाकी साथियों को देता रहता हूँ, किसानों को बांटता रहता हूँ। मैंने 1.25 फुट लंबा खीरा उगाया था पिछले साल मेरी छत पे, अब भी मैंने लगा रखा है। भिंडी मैंने 13 इंच लंबी लगाई हुई है। टोटली देसी वैरायटियों को मैं महत्व देता हूँ। पूरे इंडिया में कहीं से भी मेरे को जो भी देसी वैरायटी का बीज मिलता है मैं उसको किसी भी माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, और उसका बीज मल्टीप्लाई करके मैं किसानों को ज़रूर बांटता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई हो और किसानों का भला हो उसमें। उमेश सिंह ने अपनी छत पर गमलों में सभी प्रकार के फल और सब्जियां उगाई हुई हैं, जिसे देखने के लिए जगह जगह से किसान आते हैं। पूरी छत पे मेरे कहीं भी आपको कोई जगह खाली नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ गमलों में सब्जियाँ ही मिलेंगी आपको। फूल मैं नीचे लगाता हूँ, लेकिन पूरी छत, मेरी 3 छत हैं घर पे, तीनों के तीनों छतों के ऊपर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। मैं उस पर सिर्फ सब्जियाँ ही फोकस करता हूँ। चेरी टमाटर लगा रखा है मैंने, स्क्वैश लगा रखे हैं, घिया, करेला, भिंडी, तोरी, फ्रूट्स भी मैं लगाता हूँ उसमें। मेरे घर में 3 आम की वैरायटियाँ लगी हुई हैं जो पिछले 10 साल से ज़्यादा है फ्रूट देने लग रही हैं। मैं जितना मेरे पास घर की सब्जियों की पूर्ति मेरी छत से हो जाती है, जितना एक्स्ट्रा होता है मैं अपने दोस्तों को पड़ोसियों को बांट देता हूँ। मेरे से प्रोत्साहित मतलब मेरी सब्जियों को देखकर, उसके सब्जी की क्वालिटी देखकर लोग अपना खुद का काम मतलब छोटे छोटे गमलों में क्यारियों में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लगानी शुरू कर रहे हैं। दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से मेरी छत देखने के लिए लोग आते हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है कि जी आपकी छत देखनी थी, बहुत
अच्छा लगता है जब कोई दूसरा हमारी चीज़ को देख के और उसको करने की कोशिश करता है। हमारा मेन मकसद यही है कि अपना खुद का उगाओ, जहर मुक्त खाओ, ताकि डॉक्टर से बचें और सेहत अच्छी रहे हमारी। लोगों को मेरी एक ही सलाह है कि फैमिली डॉक्टर की बजाय फैमिली किसान बनाओ, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो। भाई उमेश सिंह की छत पर विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, हर्ब्स और फूलों की किस्में देखने को मिलती हैं। तो ये थी कामयाब किसान की आज की दास्तां। इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। गांव किसान के नए अंक में, नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।